हाय एवरीवन, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग अपने घर से और मैं कहीं बाहर से स्टार्ट नहीं कर रही क्योंकि कोविड का टाइम है और वैसे भी इतना ज़्यादा बाहर जाना नहीं हो पाता है। तो खाना पीना हमारा हो चुका है और ओबियसली संडे का दिन होता है तो शुरुआत दिन की बहुत ही लेट होती है। तो अभी बजे हुए हैं 1:30 और नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके हैं। और मैं सबसे प्यारी चीज़ आपको दिखाती हूँ कि सुबह इतनी तेज़ धूप थी, मैंने कहा आज का तो मौसम गया, लेकिन अब इतनी प्यारी बारिश आ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इतनी मस्त इतनी तेज़ बारिश हो रही है और मुझे नहीं लगता ये रुकेगी भी। सही, मुझे लगता है ये शाम तक शायद बारिश होती रहे, और होती रहे तो बहुत अच्छी बात है, इतना ठंडा मौसम है। दीदी जो है आती हैं काम करने वाली, वो चली गई हैं, वो भी लेट आती हैं बट हम उससे ज़्यादा लेट उठते हैं, तो वो भी काम करके चली गई हैं। अब है बनाने का लंच टाइम, तो मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए और आई मैं बनाऊँगी लंच में टिंडे की सब्ज़ी। और मेरे को पता है लोगों को टिंडे की सब्ज़ी कितनी पसंद होती है, तो आज हम बनाएंगे टिंडे की सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल सी, आसान सी और सबसे अच्छी सब्ज़ी। ऑयल, थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा। ये मैंने काट लिए यहाँ पे टिंडे और ये मैंने यहाँ पे चॉप कर दिया है टमाटर। यहाँ पे मैं डालूँगी टमाटर, बीबी बना रही है टिंडे। यहाँ हो रही है बारिश और बीबी बना रही है टिंडे, कैसे कोई खा सकता है यार, मैं तो कुछ खाने जा रहा हूँ। हमने तो जी करा लिया अपने तंदूरी और क्रिस्पी मोमोज पैक, क्योंकि यार टिंडे खाना अपने बस की बात नहीं है। देखते हैं आप घर जाके महाभारत होती है या बीवी भी मेरे साथ बैठ के मोमोज खाती है। संडे का दिन है, बारिश हो रही है और बंदा टिंडे खाए। भैया तुम खा लो, मैं नहीं खा पाऊंगा। क्या लेके आए हो? अरे तुमने तो अपने लिए बना लिया, मैं भी तो कुछ खाऊंगा। क्या लेके आए हो? खाऊंगा फिर। मैं भी खाऊंगा। क्या लेके आए हो पहले दिखाओ मुझको। अरे मोमोज है। दिखाओ। तुम्हारे फेवरेट लाओ, क्रिस्पी वाले। क्रिस्पी भी तंदूरी भी। तुम तो टिंडे खाओगे ना, तुम थोड़ी खाओगे। टेस्ट करना एक बार कैसे? चाय बना दी है, मोमोज दो प्रकार के लेके आए हैं, ये खाते हैं उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी लंच करने के बाद हम लोग सो गए भाई, बहुत बढ़िया मजेदार नींद आई क्योंकि बारिश हो रही थी, कहीं जा नहीं सकते तो बारिश रुकी है। और मैंने थोड़े से कपड़े जो है वो और सुखा दिए हैं, अभी जो है अभी इस बास्केट में अभी और कपड़े पड़े हैं, अब जगह नहीं है बिकॉज़ पूरा डाल नहीं सकते, अगर बारिश आ गई तो फिर सारे सूख जाएंगे। तो इसको मैं सुखाऊंगी कल या फिर मैं अंदर देखती हूँ कुछ स्पॉट कि उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि 2 हफ्ते के कपड़े आज ही धोए हैं अभी बारिश वाले दिन। तो डिनर हमारा हो चुका है रेडी, जो हमने लंच में नहीं खाया था वही ही खाने को मिलेगा। तो सब्ज़ी मैंने यहाँ पे गरम करके रख दी है, इसके साथ जाएगी लस्सी और मैं निकालती हूँ यहाँ पे प्लेट्स कहाँ हैं। एंड ये रही हमारी रोटी, डिनर हमारा सॉर्टेड हो गया है। अब डिनर करते हैं फिर थोड़ी देर देखेंगे टीवी। डिनर हम लोगों का हो गया है कंप्लीट, अब हम जा रहे हैं नीचे थोड़ा वॉक करने के लिए। पूरे दिन में कोई टाइम नहीं मिलता कि आप नीचे जाओ, और वैसे बहुत बारिश थी, सबसे बढ़िया मस्त हवा आ रही है। मैं आपको एक सेक्शन दिखाती हूँ, जब मैं यहाँ आती हूँ ना मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। ये देखो जब हम सीढ़ियों से ऐसे नीचे उतरते हैं ना, ये जो सेक्शन है यहाँ से इतनी प्यारी इतनी ठंडी हवा आती है। हमारे जैसे यहाँ उठते ये घर है ना, इनको सबसे अच्छी हवा आती है। ये हमारा ये पूरा पार्क है यहाँ पे,
अभी हम नहीं जाते बिकॉज बारिशों का टाइम है ना, तो यहाँ पे मच्छर वच्छर बारिश वाले बहुत गंदे होते हैं, तो जब काटते तो बहुत ही बुरा काटते हैं। तो अब मैं यहीं पे कर रही हूँ आपको गुड नाइट, और फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरा पहला व्लॉग है, पहला डेली भी नहीं कह सकते, घर का व्लॉग, ठीक है। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो, और अगर नहीं भी अच्छा लगा हो, तो फॉर द सेक ऑफ अप्रिसिएशन आप एक बार ही लाइक कर देना। और मैं बिल्कुल अंधेरे में बोलूँ, थोड़ा सा मैं रोशनी में आ जाती हूँ, तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।